अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ राजधानी केटरर का चिकन यखनी पुलाव, जो है 6 किलो का, बट साइड बाय साइड मैं आपको 1 kg का भी मेंशन कर दूंगी। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द मेकिंग ऑफ चिकन यखनी पुलाव। सो थंब रूल फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि 1 किलो का राइस ले रहे हो तो 1200 ग्राम इसमें आपको चिकन डालना है। हमेशा राइस से थोड़ा ज़्यादा चिकन रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओनियन आपको ले लेना है अराउंड 250 से 300 ग्राम, जिस तरह से कट किया है उसी तरीके से करें। बटर और ऑयल डाल देना है आपको, तो बटर अभी आप अपने हिसाब से डालें 1 किलो के हिसाब से, बट हमेशा बटर ऑयल साथ में डालना, वरना बटर अलग से डालोगे तो वो जल जाएगा। उसके बाद आपको डाल देना है इसके अंदर खड़े गर्म मसाले, तो 1 किलो वाले 1 teaspoon से थोड़ा सा कम खड़े गरम मसाले डाल दीजिए। उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि उसका फ्लेवर जो है वो पूरा ऑयल और बटर में आ जाए। तेज़पत्ता ले लीजिए, 1 से 2 तेज़पत्ता बहुत हो जाता है। अब जिस तरीके से ओनियन काटा है उसी तरीके से कट करोगे तो जल्दी बनेगा आपका ब्रिस्ता, और ब्रिस्ते को बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है आपको। यू नीड टू फ्राई अकॉर्डिंगली, ओके, बिकॉज हमें उसको जलाना नहीं है। और करी लीव्स बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं तो स्किप मत करें, अगर अच्छा फ्लेवर आपको चाहिए तो। वैसे भी करी लीव्स का बहुत हेल्थ बेनिफिट है तो स्किप मत करो, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे पुलाव है तो आप चेक कर सकते हैं। अब गया जिंजर का पेस्ट, सॉरी ये गार्लिक पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट आपको डालना है 1 teaspoon, उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। लहसुन का पेस्ट 1 teaspoon और अदरक का पेस्ट 1.5 teaspoon, 1.5 teaspoon, लहसुन से थोड़ा ज़्यादा अदरक जाएगा। अब इसको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए। मिर्ची का पेस्ट डालना है तो मिर्ची का पेस्ट 1.5 teaspoon आप डालें, या 2 teaspoon भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब गया उसमें नमक, तो ये सब मिला के आपको अच्छे से भून लेना है। हाँ, ये गया अजीनामोटो, तो अजीनामोटो आप घर पर हमेशा यूज़ मत किया करें। ग्रीन चिलीज, तो चिली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू, तो आलू आपको लेना है 3 से 4, उसको जिस तरह से क्यूब में कट किया है उस तरीके से आप कट कर लें, और आलू को अच्छे से फ्राई कर लीजिए मसाले में। अब गया आपका चिकन, ठीक है। तो 1 किलो के हिसाब से 1200 ग्राम जो चिकन लिया था हमने, उसको भूनना है। इतना भूनना है कि आपका जो चिकन है वो पूरी तरीके से कलर चेंज कर दे और थोड़ा बहुत पक भी जाए, अराउंड 30-40%, ठीक है। अब गया इसमें धनिया और सौंफ का पाउडर, तो 1 teaspoon धनिया और 1 teaspoon सौंफ, इसको दोनों को मिला के बारीक पीस लीजिए ग्राइंडर में और उसका पाउडर डाल दीजिए। भूनने वगैरह का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ग्राइंड कर सकते हैं। और अब उसको अच्छे से भूनो ताकि जो डाला है वो पक जाए। सौंफ जो है उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। अब पानी डाल दीजिए, तो पानी अभी आपकी चिकन और पैन के हिसाब से रहता है तो आप मेक श्योर करें कि ज़्यादा पानी ना डालें, इसका यखनी बनाना है हमें। अब इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो है दूध, फुल फैट मिल्क यूज़ करें। तो 1 किलो के हिसाब से आपको लेना है 1/4 cup दूध, 1/4 cup दूध डाल देना है, उसको अच्छे से पकाओ। इससे क्या होगा, उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट फ्लेवर एक क्रीमी सा आपको आएगा। बहुत कम मसाले हैं गाइस, ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर, बट स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। ऑलवेज़ यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ बासमती राइस, ओके। सो ये डाल दीजिए आप राइस, राइस को आधे घंटे पहले भिगा के रखें। अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ज़रूरत नहीं है भिगाने की, क्योंकि मैं कभी भी सोक करके नहीं रखती हूँ राइस। अब गया इसके अंदर धनिया, चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो 1 किलो के हिसाब से आपको डालना है सिर्फ 1/2 teaspoon प्योर गरम मसाला। अब ये गया केवड़ा वाटर, तो केवड़ा वाटर आपको 1/2 teaspoon डालना है। सो बहुत ही मज़ेदार पुलाव है, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनता है, केटरिंग स्टाइल पुलाव है। आप देख रहे हैं कि सब मेकिंग केटरिंग स्टाइल है, डायरेक्ट केटर से हमने आपको आपके लिए शूट किया है। सो गाइज, डू कमेंट अस, डू फॉलो अस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ज़ैनब कुक हाउस। अब गया घी, ड्रिजल कर दो। अभी 1 किलो के हिसाब से घी डालना है आपको 1 teaspoon फुल भर के, ठीक है। और ये जैसे
मिक्स कर रहे हैं तो उसी तरीके से मिक्स करें, हमेशा वुडन स्पून यूज करो घर पे, ताकि उससे चावल टूटे ना, ठीक है। अब आपको दम देना है, आपको कुकर में मत बनाओ क्योंकि कुकर में बहुत स्टिकी हो जाता है और पानी का लेवल उसमें बहुत अलग होता है। तो जैसे ही पानी सूख जाए आपका, उसमें आपको डाल देना है दम पे, ठीक है। तो दम तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है, गैस के ऊपर भी कि कितना, बट मिनिमम 20 to 25 मिनट्स लगता है 1 किलो के लिए। हाँ, तो बस ये हो गया हमारा रेडी। ये इसकी खुशबू, जब हम शूट कर रहे थे एंड वी वर सो हैप्पी टू हैव दिस पुलाव, इट वॉज सो यम। ओके, सो कलर स्किप कर दो, अगर दावत पे बना रहे हो तो डाल दो। केसर भी यूज़ कर सकते हो, आर्टिफिशियल कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ कलर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस आपका पुलाव जो है वो रेडी है। इसके अलावा शादियों वाला तिरंगा कबाब्स वगैरह हमने अपलोड किया हुआ है, आप वो भी चेक करें। अब थोड़ा सा इस पर आपको गरम मसाला डाल देना है, ऊपर स्प्रिंकल करना है हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब करो, मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।